दोस्तों, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन लोन लेने के बारे में सोचा होगा तो आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है लोन देने के मामले में काफ़ी पॉपुलर और जेन्युइन एप्लीकेशन है। दोस्तों सबसे पहली बात तो इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है आपको काफ़ी इजी इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आपसे इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती है, ये एप्लीकेशन मात्र और मात्र आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पर ही लोन प्रोवाइड करवा देती है। अदर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन की अगर आप रेटिंग देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन के सबसे ज़्यादा डाउनलोडर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर कहूँ तो सबसे ज़्यादा लोन देने वाली इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाने वाली ये एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का चुनाव आप यहां पर कर लेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर तीन प्रकार के लोन दिखाए गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों जो पहला लोन है 4 लाख रुपए का लोन दिखाया गया है, और आप यहां पर देखेंगे ये जो लोन है मात्र एक सैलरीड पर्सन ही ले सकता है। अगर आपके बैंक में किसी भी कंपनी के थ्रू या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है तो इस 4 लाख रुपए के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई है, किसी भी तरीके से दोस्तों आप पैसा कमाते हैं, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फ्लेक्सी लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी लोन के अंदर दोस्तों आप 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर नीचे लॉगिन विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। हम जैसे लॉगिन विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपकी जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी वेरीफाई करके इस एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। एप्लीकेशन में सभी टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है, तो ये चेकबुक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम अलाउ के बटन पर क्लिक करके जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर देखेंगे फिर से आपको एक बार कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप यहां पर अपना रेफरल कोड डाल सकते हैं, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप ऊपर में ही देखेंगे आपके पैन कार्ड नंबर आपसे यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके लोन के लिए अप्लाई करते हैं। यहां पर पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे पैन कार्ड नंबर फिल कर दिए हैं, इसके बाद में नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ का चुनाव हम यहाँ पर कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ का चुनाव हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो भी एम्प्लॉय टाइप है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे, या फिर सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड पर्सन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी मंथली इनकम है वो मंथली इनकम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आर असाइन योर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों हमारी जो भी लोन की एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जा रही है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट कर लेना है। हमारे पैन कार्ड के आधार पर, हमारे सिविल के आधार पर जितने भी लोन के लिए हम यहाँ पर एलिजिबल होंगे वो हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओ दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पैन कार्ड की डिटेल्स के आधार पर हम 1 लाख रुपए लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन से हमारी डिटेल के आधार पर हम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपको अपनी केवाईसी यहां पर कंप्लीट करनी होगी, तो सिंपली सबसे पहले हम यहां पर केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ, आपके अपने आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करनी होगी एंड आपका अपना एड्रेस प्रूफ यहां पर देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं। अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे, तो आधार ई केवाईसी के बटन पर हम क्लिक करेंगे एंड नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहां पर फिल करेंगे, इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहां पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को हम यहां पर फिल करेंगे एंड नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के थ्रू जो हमारी केवाईसी यहां पर सक्सेसफुली हो चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं ओके का चिन्ह आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर हम अपनी एक सेल्फी लेंगे, तो हम यहां पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी एक सेल्फी, लाइव सेल्फी। तो दोस्तों हम जैसे ही सेल्फी पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा और मोबाइल के सामने आकर आपको अपनी यहां पर अपनी एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। आप यहां पर देखेंगे हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारी केवाईसी और हमारी सेल्फी हमने यहां पर सक्सेसफुली ले ली है।
अब दोस्तों हमारी ईमेल आईडी हमें यहाँ पर फेच करनी है, तो आप यहाँ पर मैनुअल ही अपनी ईमेल आईडी भी एंटर भी कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी को आप यहाँ पर फेच भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम हमारी जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मेरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा सिंगलर पर आप क्लिक करेंगे। आपके एजुकेशन का जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। एंड दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अपने आधार कार्ड EKYC के थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ रेजिडेंशियल पर आप क्लिक करेंगे। आप जिस पते पर रह रहे हैं वो पता आपका खुद का है तो आप ओनर पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप रेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट्स KYC है वो भी यहाँ पर ओके हो चुका है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको अपने रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे। तो आपके जो भी रेफरेंस नंबर है, आपके पिताजी के नंबर या फिर आपके मदर्स के नंबर या फिर फ्रेंड फैमिली के नंबर, आपको यहाँ पर एज ए रेफरेंस के तौर पर यहां पर देना होगा। तो हम यहां पर रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आप जिस व्यक्ति के भी रेफरेंस मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो आप यहां पर चुन लेंगे। फादर के देना चाहते हो फादर पर क्लिक करेंगे, मदर्स पर क्लिक करेंगे या फिर किसी अन्य व्यक्ति का देना चाहते हैं, पति पत्नी का देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आप यहां पर दो मोबाइल नंबर अटैच कर देंगे एंड दोनों व्यक्ति का नेम आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज छूच इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी लिमिट होगी दोस्तों आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगी। इसके सामने आपको गेट नाउ का एक बटन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज, जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी, जो भी आपको लोन दिया जा रहा है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल हैं वो राशि आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगी। आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 12 महीने में कितनी ईएमआई बनेगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 5,000 रुपये से लेकर आप यहां पर 80,000 रुपये के बीच का लोन आप कितना भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप जितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं वो टाइम भी आप यहां पर खुद से ही चुन सकते हैं। तो यहां पर आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो -12 पर आप लोन ले सकते हैं, और प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप 12 महीने से ज्यादा भी यहां पर लोन ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहां पर चुन लेंगे एंड व्यू एंड समरी के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों हमने 80,000 रुपए का लोन हम 12 मंथ के लिए यहां पर ले रहे हैं। तो हमारा जो नेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा वो 75,245 रुपए किया जाएगा, और लोन की जो कंप्लीट समरी है, इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फीस है, GST वगैरह चार्जेस वगैरह है एंड EMI बनेगी, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी चीजों को आपको एक बार एनालाइज कर लेना है। इसके बाद में व्यू एंड रिपोर्ट शेड्यूल के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लोन का पर्पस चुनना होगा। तो ये जो लोन ले रहे हैं आप किस पर्पस से ले रहे हैं, इस लिस्ट में से देखकर आपको अपना जो भी पर्पस है वो पर्पस आपको यहाँ पर चुन लेना है। एजुकेशन पर्पस से, शॉपिंग पर्पस से या फिर किसी मेडिसिन पर्पस से अगर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर पर्पस चुन लेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन आ रहा है एड सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोस्तों अब आपको जो भी बैंक अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जिस बैंक में भी ये लोन का पैसा लेना चाहते हैं वो आपको अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ऐड बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऊपर में ही आपके बैंक के जो IFSC कोड है वो आप यहां पर फिल कर देंगे, अकाउंट नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड कंफर्म अकाउंट नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। बैंक का नेम आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगा, चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड ऐड बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। फाइनल दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो यहां पर बन जाएगा। तो इस लोन एग्रीमेंट को आप एक बार रीड कर लेंगे, इस लोन एग्रीमेंट जो लेटर इसको रीड करेंगे, नीचे चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू टू साइन इन लोन डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल OTP यहां पर सेंड की जाएगी। आपको यहां पर OTP लगाना है एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों फिर से वेरिफिकेशन के तौर पर आपकी यहां पर एक सेल्फी कैप्चर की जाती है, तो आपको फिर से अपनी यहां पर एक सेल्फी देनी है। एंड दोस्तों फाइनल आप यहां पर देखेंगे जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहां पर प्रोसीड हो चुका है। यहां पर दिखाया गया है योर लोन विल बी प्रोसीड 1 आवर, यानी 1 घंटे का टाइम आपसे यहां पर मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों लोन का जो पैसा है अकाउंट में आने के लिए 1 घंटा नहीं लगता है, यहां पर 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो लोन का ये पैसा है आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दोस्तों जिस डेट को भी आपकी EMI बनेगी वो डेट आपके इसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसी एप्लीकेशन में आकर आपको जो EMI का पैसा है वो वापस से आपको पे कर देना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको कोई कंफ्यूज है, फिर सवाल जवाब है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। बिगले जय हिंद, वंदे मातरम।